हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जी एस भक्ति में। तो आज मैं उज्जय और स्वागत स्वागत करता हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गूगल के पांच वो सर्च टिप्स जिसे आप यूज़ करके गूगल के किसी भी कंटेंट को आप ढूंढ सकते, जो भी आपको कंटेंट लगने वाला है उस कंटेंट को आप ढूंढ सकते गूगल की थोड़ी हेल्प से। तो आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले कैसे हम सर्च करें कि वही कंटेंट हमें मिल जाए गूगल पे। तो चलिए शुरू करते। जो फर्स्ट टिप है हमारी वो है गूगल की। तो गूगल में आप कोटेशन मार्क्स यूज कर सकते। तो सबसे पहले आप गूगल में कोटेशन मार्क यूज करके किसी भी कंटेंट को सर्च कर सकते। जैसे कि अगर मुझे देखना है इस्कॉन टेम्पल के बारे में, तो इस्कॉन टेम्पल अगर मैं डालूं और उसे कोटेशन में डालूं, या फिर इन मा इन अमरावती, तो देखे यहाँ पे तो अमरावती के इस्कॉन के टेम्पल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जो अभी इमेजेस है सब अमरावती के ही टेम्पल के। यहाँ पे आपको पुणे, मुंबई, दिल्ली कहीं की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखने वाली नहीं है। तो इस कोटेशन मार्क्स को आप यूज करके आप किसी भी कंटेंट की डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी कि उसी कंटेंट को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ओनली उसी कंटेंट को। तो जो सेकेंड टिप है हमारी वो है यूज और टू गेट मोर ऑप्शंस। यानी कि आपको अगर बहुत सारे ऑप्शंस होना, तो आप और ये कीवर्ड सिर्फ कैपिटल में यूज करना है आपको, वो यूज कर सकते हैं जैसे कि इस्कॉन टेम्पल। तो और अगर मैं कैपिटल में और लिखूं, तो यहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, जैसे कि इस्कॉन सूरत, इस्कॉन वराचा, इस्कॉन बैंगलोर, इस्कॉन टेम्पल दिल्ली। यानी कि आपको होल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी, सभी प्रकार की, सभी तरह की, आपको यहाँ पे सभी देशों की, जैसे दिल्ली का, महाराष्ट्र में जो जो है उनकी सारी। तो ये था अपना सेकेंड गूगल सर्च टिप्स का, जो आप और लिख के इसे कर सकते हो। और जो सेकेंड यूज है इसका, जैसे कि क्लाइमेट चेंजिंग, और आप लिखते हो और ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंजिंग से रिलेटेड यहाँ पे सारे क्वेश्चंस, क्यूरीज यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरह आप और को यूज़ कर सकते हैं। कुछ दो सिमिलर है उनके बीच में, अगर आपने और यूज़ किया तो आप उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। थर्ड टिप्स है हमारी वो है यूज़ हाइपन फॉर टू रिमूव ऑप्शंस। अगर आपको ऑप्शंस नहीं चाहिए, आपको एक ही ऑप्शन चाहिए सिर्फ, और उसी के ऊपर आपको काम करना है, अगर वही ओनली आपको होना, तो आप उसे ही उसी रिजल्ट को ढूंढ सकते हैं यूजिंग हाइपन। जैसे कि यहाँ पे अगर हम आप एप्पल फल के लिए सर्च कर रहे हो, कंपनी का नाम नहीं, तो आपको लिखना होगा हाइप एप्पल, फिर आपको देना होगा हाइपन,
और फ्रूट, फिर हाइफन देना होगा, लिखना होगा फूड। तो अगर इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपको एप्पल कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, आपको सीधे एप्पल फ्रूट की इंफॉर्मेशन मिलेंगी गूगल पे। अगर आप वैसे ही टाइप करेंगे एप्पल तो आपको डायरेक्ट कंपनी की ही इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो आपको इस तरह आप हाइपन को यूज करके एप्पल के फ्रूट के डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एप्पल की इंफॉर्मेशन से बोलनी है, एप्पल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कंपनी, एप्पल की जो कंपनी है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही, यानी कि सिर्फ आपको अगर उसी कंटेंट, अगर डबल मीनिंग है किसी वर्ड का, जैसे कि एप्पल ये कंपनी भी है और एप्पल ये फ्रूट भी है, तो आप इस हाइपन सिंबल को यूज करके एप्पल मतलब इस कंटेंट को आप ढूंढ सकते गूगल पे, जहाँ से आपकी सर्च ये आपको आसानी से मिल जाएंगे यहाँ पे। चौथी टिप से हमारी जो हम यूज करेंगे साइट। अगर आपने गूगल पे लिखा साइट कोलन और किसी साइट का अगर यूआरएल आपने डाला यहाँ पे, जैसे कि एनी टाइम्स डॉट कॉम, तो आपको उसी साइट से जो कंटेंट मिलेंगे सिर्फ उसी साइट के कंटेंट मिलेंगे, और विदाउट उस साइट के कोई भी कंटेंट आपको मिलेंगे नहीं यहाँ पे गूगल पे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 कंटेंट दिखा रहे हैं, वो भी एनी टाइम्स डॉट कॉम के ही कंटेंट है। जैसे कि आपको अगर किसी भी साइट पे से अगर इंफॉर्मेशन होना तो आप उसी साइट की इंफॉर्मेशन सिर्फ ऐसे, अगर साइट आपने डाला स्टार्टिंग में और अगर आपने उसे यूज़ किया तो आप उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 4 टिप्स। फिफ्थ टिप है जो हमारी है वो है यूज साइट कोलन और उस कंट्री का जो कोड रहता है, उस कंट्री का कोड डाल के हम उसी पर्टिकुलर कंट्री से और उसी प्लेस से किसी सोर्स को हम ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम आशिया खंड है इतना बड़ा, इसमें से अगर इंडिया, अगर हम ऐसे लिखते हैं साइट कोलन इंडिया का, अगर हमने लिखा आयन, और अगर हमने लिखा इसमें अमरावती, तो हम उसी प्लेस से जो इंफॉर्मेशन मिलेंगी उस प्लेस की इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको इंडिया में जो अमरावती स्टेट डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। जैसे अमरावती टूरिज्म हो गया, अमरावती होटल्स, होटल्स अमरावती, सारी अमरावती की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। अमरावती की जो प्लेस है वहाँ की एक्सट्रैक्ट डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी, इस तरह से अगर आपने यूज किया गूगल पे। तो ये थी हमारी 5 टिप्स जो गूगल पे सर्च करते वक्त आपको काम में आएंगी, इसे ज़रूर यूज़ करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।